अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है भाई लोग, वेलकम है आपका एक ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल क्रोएट ओपनिंग की वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही है कि भाई पबजी मोबाइल ने ना हमें लूटने का एक और नया स्कैम जो है पबजी मोबाइल गेम के अंदर भेज दिया, यानी कि यार तो हमारा एक्सूट आ चुका है गेम के अंदर। और आप लोग तो थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा कि हम लोग इस एक्सूट की जो है ना वो यहाँ पर क्रेट ओपनिंग करने वाले हैं। अच्छा फ्रेंड्स, साथ साथ एक और बात करते चलें कि यार जो कल की वीडियो के ऊपर आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिखाया है ना, मैं कहता हूँ चस आ गए। ये वाली वीडियो हम स्पेशल डेडिकेट करते हैं रोमियो भाई को, जो थोड़ा सा कल एंग्री हो गए थे यार। हमने कल एक वीडियो री अपलोड की उसकी विक्टर सीरीज के ऊपर, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न थी यार। उससे पहले जब मैंने वो वीडियो अपलोड की थी ना, उसमें आई थिंक कुछ बग्स थे जिसकी वजह से वो वीडियो सही तरह जो है वो दोस्तों आप लोगों तक नहीं पहुँच पाई थी, और उसकी जो क्वालिटी थी ना वो काफ़ी लो थी। यही रीज़न थी मैंने उस वीडियो को पहले प्राइवेट किया, उसके बाद अगेन उसको री अपलोड किया, और आप लोगों ने इतना एक ओपी रिस्पॉन्स दिया कि मैं कहता हूँ चस आ गई है। अब ये वाली वीडियो दोस्तों होने वाली क्रेट ओपनिंग की, और इसके अंदर थोड़ा सा एक सस्पेंस भी रखेंगे। एक छोटा सा गिव अवे है इस वीडियो के अंदर फ्रेंड, जो कि यानी कि कोई चैलेंज नहीं, नथिंग एल्स, जस्ट गिव अवे होने वाला है इस वीडियो के किसी भी पार्ट के अंदर। तो आप लोगों ने ना वीडियो को स्किप नहीं करना, उस चैलेंज यानी कि चैलेंज तो कोई है नहीं, उस गिव अवे में जस्ट पार्टिसिपेट करना है, बहुत मजा आने वाला है। चलते हैं सीधा बिना टाइम वेस्ट के क्रेट ओपनिंग की तरफ। अब यहां पर ना हम सबसे पहले क्रेट ओपनिंग का जो रोल मेन रोल अपने विक्टर चाचा को बुला लेते हैं। कल की वीडियो भी उनकी वजह से ओपन द चैट गई थी, तो आज भी जो है ना हम विक्टर चाचा को यहां पर बुला लेते हैं। तो लो बाबा जी, यहां पर हम विक्टर चाचा को बुला चुके हैं। अब यहां पर हम अपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लेते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में। तो हमने अपना कंपेनियन भेज दिया वापिस, गन स्किन यहां पर दोस्तों हम हटा चुके हैं, और अब हमारी रह गई थी जस्ट कार। तो कार को भी हमने जो है ना वो लोबी वापस भेज दिया है। लो बाबा जी, क्रेट ओपनिंग के लिए तुम्हारा भाई जो है ना वो ऑलमोस्ट रेडी है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मून लाइट के ऊपर जो है ना हमने 10 यूसी की स्पिन अभी नहीं मारी, तो हम पहले इसकी 10 यूसी की जो स्पिन है ना उसको कंप्लीट करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी गॉट। ओ भाई, ये तो मेरे पहले भी है ना यार, इतना गंदा ये स्कैम होता है ना कि ये किसी यानी कि कॉइन्स में अगर कन्वर्ट हो जाए भाई, सॉरी कॉइन्स में तो ये, इसमें तो कॉइन्स वाला कोई सीन ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, दिक्कत किस बात की है। तो लो बाबा जी, यहाँ पर अब आपका भाई जो है ना, पहले एक्सूट का मैं आपको ट्रेलर दिखाता हूँ, उसके बाद जो है ना उसकी क्रेट ओपनिंग के लिए चलेंगे। अच्छा फ्रेंड, एक और बात है यार, आज की वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, लेकिन आपको पता है कि यार काम में इतना ज़्यादा मैं बिजी हूँ कि मैं लिटरली अफ्तारी से 5 मिनट पहले वापस आया था, और अफ्तारी करते फौरन बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो अपलोड होने में ऑलमोस्ट अभी हाफ और लग जाएगा, क्योंकि अभी मैं बना रहा हूँ, अभी कुछ क्रेट ओपनिंग जाएगी और ऑलमोस्ट हाफ और लग जाएगा इसको प्रोसेसिंग वगैरह के अंदर। तो काइंडली वीडियो को शेयर में मार देना, जो चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल को, अपना प्यार दिखा देना कमेंट्स के अंदर। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, क्रेट ओपनिंग की तरफ चलते हैं। आ जाओ, पहले इसका हम ट्रेलर इन्जॉय करेंगे, उसके बाद जो है ना फ्रेंड्स हम इसकी क्रेट ओपनिंग करेंगे। तो लेट्स सी। आई थिंक यहाँ पर हमारा विक्टर चाचा जो है ना किसी चीज को कूट रहा है हैमर से। ओ भाई, ट्रेलर तो बहुत चस्का है। ओके, लावा निकला और ये चला गया वेन्स में। अरे भाई, ट्रैक को लगे जंग छिड़ चुकी है हमारे एक्सूट की। अच्छा, मुझे कुछ कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया, फूलों का और ट्रैकोला का जब कुछ सीन चल रहा है यार यहाँ पर, और ये नेट्स वगैरह आ रहे हैं हमारा एक्सूट, और एक्सूट हमारा जो है ना वो फ्लावर गिरने से लिटरली पूरा का पूरा एक्टिवेट हो चुका है। ओ भाई, नाइस हो गया यार। तो लो बाबा जी, ये हमारा एक्सूट था। ओके, तो फ्रेंड आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतने कम यूसी के अंदर हम एक्सूट की क्रेट ओपनिंग कैसे करेंगे, तो यार ओ लाइट्स और म्यूजिक चल रहा है भाई इसके बैकग्राउंड में। अरे नाइस यार। अच्छा बात चलेगी म्यूजिक पे, छोड़ो उसको। इतने कम यूसी के अंदर हम इस एक्स सूट की क्रेट ओपनिंग करने वाले हैं, तो सीन ऐसे है कि यार मुझे एक्स सूट लिटरली इतना कुछ खास पसंद नहीं आया ये वाला, यानी कि बिल्कुल एक सिंपल मिथिक जैसा था, बस इसकी लेवल 1 और लेवल 6 के अंदर इतना डिफरेंस है कि पीछे से जो है ना उसकी एनिमेशन जो है वो शो होने लग जाती है, तो मुझे इतना कुछ खास समझ नहीं आया, जिसकी वजह से जो है ना फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा जो है ना इसको अभी देखेंगे, अगर कुछ समझ में आए तो इसकी क्रेट ओपनिंग आगे की तरफ ले जाएंगे। तो फिलहाल हम इसको सिल्वर से पहले ओपन करने की ट्राई करते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गॉट। ओके, एनिमेशन हमारी चल रही है और हमारा एक सूट पे एनिमेशन आई है। ओके, व्हाट वी गॉट, एक सूट। ओके मिथिक, नाइस।
ओ बाबा जी, ओ बाबा जी, विक्टर चाचा ने आते साथ ही अपना कमाल दिखा दिया यार, लिटरली भाई विक्टर चाचा ने जो है ना वो आते साथ अपना कमाल दिखा दिया। और ये देखो हो, विक्टर चाचा ओपी इन द चैट, फ्लावर्स गिर रहे हैं ऊपर से, एनिमेशन आई बैकग्राउंड के ऊपर, सुपरमैन वाले पंख आ गए हमारे पास, और हमारा जो है ना वो इमोर्ट 300 सिल्वर के अंदर ही निकल आया ये चेस। बहुत मजा आया यार इस चीज पे। नाइस, अगेन दोस्तों ट्राई करते हैं हम यहाँ पर। अगर हमारा यहाँ पे सिल्वर में एक्सूट निकल आया ना, तुम्हारे भाई ने एक रॉयल पास का गिव अवे मार देना, या अगर मिथिक भी निकल आया तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ लिटरली भी यहीं पर गिव अवे मार देंगे हम। ओके, दो कॉइन्स, नॉट अ बिग डील। अगेन लेट्स सी व्हाट वी गॉट। ओके, अगेन मिथिक के ऊपर। मुझे क्यों लग रहा है हमारा यहाँ पे पैन निकल आएगा, नहीं पैन नहीं निकला। ओके, अगेन हमारे जो है ना वो दो कॉइन्स ही कह लें इनको, कॉइन्स निकल आए। लेट्स सी अगेन, आई थिंक अब एक्सूट पे रुकेगा, नहीं मिथिक पे ही रुका है। ओके, वाओ, अगेन कॉइन। ओके, यहाँ पे हम एक स्किप करके ट्राई करते हैं फ्रेंड्स, लास्ट है हमारा। ओके, अगेन कॉइन, कोई बात नहीं, हमारी कोशिश ये है कि यार हम यहाँ पर एक्सूट निकालें, बस मेन जो हमारा वो है ना वो एक्सूट निकालना। हम यहाँ पे अगर हम चेकआउट करें अपने रिवॉर्ड्स के ऊपर तो ये मेल है, इस एरो पे क्या बनेगा भाई, द जेंडर ऑफ दिस स्पेशल करेक्टर कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, ये रहा हमारा लेवल 6 का एक्सूट, नाइस हो गया। और ये आई थिंक इसका इमोट है, ये इमोट तो हमारा निकला है ना। ओके, उसके बाद एक ये है मिथिक है हमारे पास ये, उसके बाद हमारे पास एक ये मिथिक है, एंड एक ये कार 98 की स्किन है। और अगर हम रिवॉर्ड रिडेम्पशन में जाते हैं तो फ्रेंड्स, ओके ये 40 और ये 7, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बता रहे थे कि इसके साथ ना हमारा आई थिंक सिल्वनस एक्स, नहीं सिल्वनस तो नहीं, एवलेंच एक्स सूट जो है ना वो वापस आ रहा था इधर, लेकिन ऐसा कुछ सीन बना नहीं है मेरे ख्याल से। तो हमारी कोशिश यही होगी कि भाई हमें यहाँ पर जो है ना इसको ऑलमोस्ट रिडीम ना करना पड़े, हमारा ये एक्सूट निकल आए। सो फ्रेंड्स लेट्स सी व्हाट वी गॉट। चलो भाई 60 यूसी एक्सूट, कम ऑन काइंडली एक्सूट। नहीं भाई कोई बात नहीं, हमारी वैसे स्पिन 10 यूसी में ही गई है, क्योंकि हमने कुछ वाउचर्स जो है ना वो इसके इकट्ठे किए हुए थे। हम यहाँ पे स्किप पे रख के मारने की ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ पर जस्ट, अबे स्किप पे तो कॉइन्स दे रहे हैं ना, बस स्किप को हटाते हैं भाई। ओके, व्हाट वी गॉट। ओके, दो कोल्ड फ्रैगमेंट निकले हैं, जो कि फ्रेंड्स हमारा एक एक्सूट वैसे रहता है जिसको हमने अभी मैक्स आउट करना है, लेवल 1 पर है वो, मैक्स आउट तो देखेंगे लेकिन लेवल 1 है वो। ओके, यहाँ पर हमारा सुप्रीम रॉयल स्मोक ग्रेनेड निकला है, हमने इसको क्लोज पे आके जो है ना वो किया था। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अब शुरू होने वाला मेन काम, 600 यूसी के हम स्पिन करने लगे हैं, तो अल्लाह ताला करे कि बस हमारा एक्सूट जल्दी निकल आए, नथिंग एल्स। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह, हम इसको ना 3 पे स्किप करेंगे फ्रेंड्स। एक हमारा कॉइन, अगेन एक्सूट पे रुका है आगे। क्या लगता है आपको, क्या हमारे 600 यूसी में एक्सूट निकलेगा? आई डोंट थिंक सो। ओके, ये अमाउंट हमारे पास पहले भी है, तो मेरा ख्याल है कि ये अब यहाँ पर ना कन्वर्ट हो जाएगा कॉइन्स के अंदर, ये जहाँ तक मुझे शक पड़ रहा है इसके अंदर, तो मुझे लग रहा है 2 कॉइन्स निकलेंगे हमारे। अबे नहीं, ग्रेनेड निकल आया, इसको हम यहाँ पे स्किप करते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा 2 दफ़ा एक इमोट निकला और एक मिथिक इमोट और निकल आया हमारा। सो ये हमारी स्पिन इतनी कोई बुरी नहीं गई, लेट्स सी। हम इसको 3 पे ही स्किप करेंगे, क्योंकि 3 पे स्किप करने पे ना हमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब एक सूट मुझे लगा निकल आया।
ओके, ये मेरे पास इमोट पहले ही है, ये 11 कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कम ऑन, जस्ट एक्सूट चाहिए। अच्छा वैसे एक और चीज़ मैं सोच रहा हूँ, अगर मेरा एक्सूट ना भी निकला ना, कोई मिथिक भी निकल आया ना, मैं तब भी खुश हो जाऊँगा। ओके अच्छा, इन्होंने गन को ना बड़ा अपर करके रखा हुआ है, हालांकि ओके 3 दफ़ा एक ही इमोट निकला है, हालांकि जो गन है ना वो कोई अपग्रेडेबल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना हम इसको प्रायोरिटी एक्सूट भी रखते हैं, हमें एक्सूट ही चाहिए। ओके स्किप। ओके हमारा फॉर्चून पैन निकल आया, हमारा हॉवरबोर्ड भी निकल आया। ओके यार यहाँ पर लेकिन बैड लक ये चली कि हमारा एक्सूट नहीं निकला, लेकिन स्किप पे हमारा दो चीज़ें निकल आई हैं। फ्रेंड्स हमारी इस 8000 यूसी के अंदर क्या एक्सूट निकल आएगा, क्या लगता है आपको? कम ऑन, एक्सूट चाहिए जस्ट मुझे। एक्सूट मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि यार मेरी इन्वेंट्री कंप्लीट हो जाए, यू नो कि एक्सूट पड़ा हुआ हो तो चलो अच्छा होता, तो मैं कह रहा हूँ मुझे इस पे यूसी ना ज़्यादा ना ही लगाने पड़े, अल्लाह करे एक्सूट निकल आए इन्हीं यूसी के अंदर, फिर उसको ऐसा है ना कि अगर दिल किया तो लेवल 4 कर लेंगे, अगर ना दिल किया तो नहीं करेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसके अंदर। ओके हमारा फ्रेम निकल आया, यहाँ पर फ्रेम हमारे पास नहीं था इसका, यहाँ पे छोटा सा स्किप करके देखते हैं। ओके यहाँ पर अबे 3 के अंदर कन्वर्ट हुआ है जस्ट, फ्रेम भी था मेरे पास भाई। ओके यहाँ पर हम थोड़ी सी 1 2 ओके फ्रेम निकला 3। ओके अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना हम एक काम करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं रैंक के रैंगल के अंदर। सो फ्रेंड्स अब मुझे यहाँ पे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जल्दी से एक बार जो है ना वो बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंक दो। याला खैर, कम ऑन मिथिक निकल आए। ओके नहीं यहां पर भी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ना, मुझे सिर्फ एक्सूट वगैरह चाहिए, गन इस क्रेट में तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, इस वाले में से नहीं, नहीं इनके जो भी निकलेगा वो इतना कुछ खास नहीं निकलेगा, और ये 3 में कन्वर्ट होगा, ये एक्सूट निकलेगा यहाँ पर। कम ऑन एक्साइटी बढ़ रही है भाई, हेलमेट निकल आया मेरा यार, जो चीज़ बिल्कुल नहीं ना चाहिए वो निकल रही है यार, इसमें से सब कुछ निकला है, जस्ट एक्सूट दे दो एक्सूट। अबे भाई ये मोड कितनी दफा देंगे यार ये बंदे। स्किप करते हैं हेलमेट, इसके अलावा एक मॉड, जस्ट कुछ भी नहीं भाई, लिटरली स्कैम कर रहे हैं यार ये लोग मेरे साथ, ऐसा नहीं करो। अगेन हेलमेट भाई, अगेन हेलमेट, अभी तो निकला है भाई, एक एक्सूट दे दो इसकी जगह, कोई मिथिक दे दो, मेरा मूड नहीं है यूसी लगाने के ज्यादा भाई उसके। फ्रेंड्स यहां पर आई थिंक मेरा कुछ लेजेंडरी निकलेगा, अबे भाई क्या मजाक है, मुझे नहीं खेलना यार। अबे 14 में क्या निकला था मेरा, स्ट्रीजियन कॉइन, कुछ भी निकला, पता नहीं मुझे क्या निकला, जो भी निकला छोड़ो इस चीज को यार। फ्रेंड्स क्या यार ये मजाक हो रहा है यार मेरे साथ, लेट्स सी। अरे भाई नहीं निकला कुछ, या अल्लाह इस पे तो निकला है, अरे नहीं करो यार। फ्रेंड्स क्या सीन है भाई ये, वाओ पे करके अगर हम कुछ सिलेक्शन करते हैं इसकी, ये तो मेरे डाउनलोड ही नहीं है, ब्रिज बैटल भी नहीं डाउनलोड, आई थिंक मेरे पास डाउनलोड है, जस्ट वेट, ऑल के अंदर अगर हम जाते हैं तो मेरे पास ये डाउनलोड है। ओके तो फ्रेंड्स देखते हैं इसके ऊपर हमारी लक कैसे चलती है। ओहो ये तो कुछ और ही चल पड़ा है भाई, मेरे पास ये सारी गन हैं स्किन्स, ये मुझे नहीं चाहिए। फ्रेंड्स जस्ट एक्सूट, आई नीड जस्ट एक्सूट, अरे भाई कम ऑन एक्सूट,
इस क्रेट में से मिथिक निकलना नहीं है, और इन्होंने दे क्या देना है मुझे एंड पे आके, 2 कॉइन्स। मैंने पहले बोला था ना आपको, पता है होता है भाई इनके स्कैम का। यहाँ पर कोई चीज, एक्सूट एक्सूट एक्सूट, कम ऑन। ये जब मुझे घूम के इधर से एक्सूट से आगे निकलता है ना, कसम से दिल करता है इसी मुक्को मार दूं इनको। वो फिर एक्सूट पे आ जा, कम ऑन एक्सूट 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 एक्सूट, घूम गया भाई आगे। देखो अगेन इन्होंने वही काम किया। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिडीम करवाएंगे मेरे से यार। मुझे यकीन है तुम लोग मुझे जो है ना वो भैंस छोड़ो स्किप करते हैं। कुछ भी नहीं दिया भाई, ऑलमोस्ट 3 स्पिन हम, सॉरी 5 से 6 स्पिन और कर सकते हैं यार। कम ऑन या लैग सूट एक्सूट, सॉरी 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 सॉरी। अरे भाई कम ऑन एक्सूट। फ्रेंड्स पेन आई थिंक हमारे पास नहीं था, वो निकला है। यहां पर देखना है भाई एक एक्सूट निकलेगा, नहीं निकला, अगेन आगे निकल चुका है। हेलमेट आई थिंक ये 14 कॉइन्स में कन्वर्ट होगा यहां पर, जहां तक मुझे लग रहा है। अगेन एक्सूट पे आ चुका है। दो कॉइन्स अबे इनमें, इधर से तो इन्होंने कुछ भी नहीं देना ना पक्का। 20 आई थिंक हेलमेट 20 पे कन्वर्ट हुआ है। लेट्स सी अगेन, मुझे से क्यों लग रहा है कि भाई इन्होंने जो है ना वो स्किप पे तो कुछ भी नहीं देना, तो मुझे ऐसे ही जो है ना वो ट्राई करना पड़ेगा। अच्छा हेलमेट इसमें भी है और हेलमेट उसमें भी है, इसमें भी है, ये सही है। एक्सूट निकला है पक्का। उए पावची यार, लिटरली 1 पॉइंट आगे चला जाता है यार यहाँ पे। कसम से मुझे ऐसा कंफर्म लग रहा था कि बस ये एक्सूट निकला है हमारा। नहीं दिया यार इन्होंने, लिटरली 8000 यूसी में नहीं दिया भाई। लोगों का मैंने एंड में देखना है, कमेंट्स में लाना है कि भाई 66 यूसी के अंदर मेरा एक्सूट निकला है, और तुम्हारे भाई को उन्होंने 8000 यूसी में नहीं दिया यार। कसम से भाई कत्ते ही गंदा वाला लग चला है यार, दुख हो रहा है भाई कसम से। दिल दिल पे लग रही है यार पबजी, दिल पे, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हद है भाई, अल्लाहु अकबर। लास्ट टाइम फ्रेंड्स हम इसको थोड़ा सा मोड शोड चेंज करते हैं। अगेन यहाँ पर हम आते हैं उसका FPP में आते हैं, और यहाँ पर रेंगल ट्राई करके देखते हैं। अगर हम रिवॉर्ड रिडेम्पशन पे देखते हैं ना, यहाँ पर हमारे पास ना 458 कॉइन्स हो चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, और ऑलमोस्ट 10,000 के अंदर रिडीम हो, 1000 में रिडीम होगा यार ये। तो मैं कह रहा हूँ ये नई रिडीम करना पड़े यार, मुझे मेरा एक सूट निकला है यहाँ पर। टू मच बैड बैड लक, टू 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 मच। एक सूट चाहिए बस, नहीं यार कसम से गुस्सा आ रहा है भाई मुझे यार, लिटरली यार मैंने जो है ना एक्सूट रिडीम करने के बजाय ना ये जो फ्रेगमेंट्स है ना ये रिडीम कर लेने गुस्से में, यकीन करो यार ऐसा कौन करता है भाई पबजी। ये लो भाई, अब खाली ये क्रेट भी स्किप नहीं कर सकते, स्किप करूंगा तो टोटली स्किप हो जाएगा। पैन भाई एक्सूट भी तो लेजेंडरी है ना, वो दे दो। मिथिक इमोट दी जा रही हो, एक्सूट नहीं दे रहे यार तुम लोग, हद होती है भाई। तुम लोगों को बड़ी चस आ रही होगी अपने भाई की ऐसी हालत देख के ना, लिटरली मुझे पता है तुम लोगों को बहुत चस आ रही होगी। तुम यकीन करोगे ये जो यूसी है ना ये मैंने किस अचीवमेंट के लिए बचा के रखे, तो तुम्हें नहीं पता। अरे बाबा जी मिथिक दे दो, कोई एक्सूट दे दो। ना यार
दफा तो इन्होंने कोई मथे के मोड़ तक नहीं दिया भाई इसके अंदर। देखा चूना लगा रहे हैं भाई फुल टाइम। अबे यार आ गया एक्सूट, आ गया एक्सूट, आ गया तिछा, आ गया उठा करके। ओए भाई इतनी ज्यादा इसने रोटेशन लिया कि मुझे लगा कि कंफर्म एक्सूट निकलेगा यार यहाँ पर। ओके ये हुआ था हेलमेट से स्टार्ट ना। अल्लाह मेरे दिल पे घूम के गया यार ये, लिटरली दो दो पूरा चक्कर लगाया इसने और कहाँ पे इमोट पे आके रुका ये। तो फ्रेंड्स लास्ट स्पिन है, एक स्किप करके मारता हूँ अकेन। चलो फ्रेंड्स अच्छा यहाँ से ना इसको करके देखते हैं, लेट्स सी। अब देखते हैं ना, मैंने ये वाला मोड नहीं चेंज किया, ये पहले मिथिक पे आ गया, लेट्स सी। टोपी भाई टोपी, टोपियां टोपी ड्रामे कर रहे हैं ये पैंस चोर। सही एफएम भाई गालियां निकालते हैं इनको यार। लास्ट पिन है इसमें तो दे दो यार एक्सूट, लिटरली इसमें तो दे दो भाई। अरे मैंने तो दिल करा अपनी आंखें बंद कर लें भाई। एक्सूट 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 फ्रेंड्स, इस पिन में अगर एक्सूट निकल आया रॉयल पास गिव अवे तुम लोगों के लिए। अब तो दुआ कर दो जल्दी से। अरे बाबा जी बाबा जी बाबा जी, फुल हैवी वाली बैड लक चली है फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर ना, लिटरली फुल फुल टाइम हैवी वाली। अच्छा मुझे ना बिल्कुल अफसोस नहीं होता अगर मैं इसको ना मैक्स के लिए जा रहा था, चाहे एक्सूट निकलता या ना निकलता कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्यों मिथिक हेडगियर मिथिक निकला भाई। अरे पावा जी यार इसका चार डालू यार मैं इस मिथिक का, सूट दे दो चलो कसम से भाई कोई काम नहीं है यार इसका मेरे पास यहां पर। वे टू मिथिक नेम टैग में इजी हो जाएगा जरा, एक मिथिक और ऐड हो गया। लास्ट स्पिन फ्रेंड्स कम ऑन। अरे भाई जा यार मिस्टिक सोर क्रस कवर पता नहीं क्या था जो भी था इसको यार चिल मारते हैं। तो लो बाबा जी यूसी हो गए एंड वो कहते हैं ना पहे गए मुक्त यार गए ने रोस, वो वाला सीन हो गया यार हमारे साथ। चलो 400 कॉइंस की बचत हो गई है, 593 कॉइंस हैं। अब यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म है कि हम अगेन इसकी जो है ना वो क्रेट ओपनिंग लाजमी करेंगे। क्यों वो तुम लोगों को पता चली गया होगा। अब यहाँ पर यूसी स्टेशन पे भी मेरी जो लग थी ना वो इतनी कोई खास अच्छी नहीं चली थी। तो फ्रेंड्स इतनी कोई खास मैं विक्टर चाचा तेरी ऐसी थी तैसी, विक्टर चाचा भी यकीन करो लिटरली परेशान हुआ होगा इस टाइम कि यार मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा हम रोने शोने वाला इमोट कर लेते हैं, ये वाला काफ़ी है। चलो कोई बात नहीं, जो तो अच्छे के लिए उतना अच्छे के लिए। तो फ्रेंड्स हमारे एनोनिमस भैया का डायलॉग है, लेकिन कोई बात नहीं इंशाल्लाह हम इसकी अगेन क्रेट ओपनिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आप लोगों को अपने भाई की आज की ओपी वाली क्रेट ओपनिंग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अनलक्कीस्ट क्रेट ओपनिंग के साथ ओपी इन द चैट लिख देना यार। फ्रेंड्स मिलते कल इंशाल्लाह ओपी वाली वीडियो में, अगर तो चांस बना तो कल हम इसकी क्रेट ओपनिंग दोबारा करेंगे अगर सीन बना तो, अदरवाइज करेंगे तो जरूर एक्सूट तो निकालेंगे इंशाल्लाह, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े लेकिन एक्सोडम निकालेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ओपी वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को तो इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा, जल्दी से अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट में लाजमी अपना प्यार दिखा दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने भाइयों के साथ। तब तक के लिए अच्छा सॉरी 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 मेन बात रह गई भाई, 60 यूसी का गिव अवे हो रहा है यार इस वीडियो के ऊपर। कोई चैलेंज नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कसम से मेरे जहन से ही निकल चुका था, अभी भी जहन में आया। तो फ्रेंड्स माजरत के साथ 60 यूसी का गिव अवे इस वीडियो में, इस वीडियो के अंदर से कोई भी एक विनर जो है ना वो पिक कर लिया जाएगा रैंडम कमेंट पिकर से और उसके अकाउंट के अंदर 60 यूसी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे विदाउट एनी चैलेंज, विदाउट एनी टास्क, विदाउट एनी लाइक्स। यानी कि आप लोगों के ये नहीं मैं बोल रहा कि भाई लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो तभी मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, जस्ट आप लोगों ने प्यारा सा कमेंट करना है और अपनी आईडी लाजमी कमेंट कर दीजिएगा जहां से पिक करके मैं आप लोगों को 60 यूसी दे सकूं।
बार बार कह रहा हूँ, कोई टास्क नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, जस्ट अपना प्यार दिखा देना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।